Study reading class A, section A and B, subject maths, exercise 6.1. A square number table. एक square number table उसमें बताया गया number and square number 1 to 20. We say that any numbers ones digit of one, then the square number once digit is 1, and any numbers once digit as 9, so the square number once digit as 1, any किसी भी number का यदि once digit 1 और 9 है तो square number का once digit 1 मिलता है. इसी तरीके से any numbers once digit as 4, as 6, then the square number once digit as 6. अगर 4 और 6 है once digit किसी भी number का, तो उसके square number का once digit 6 होता है. इसी प्रकार similarly once digit of any number 2 and 8, then the square number once digit as 4. अगर किसी भी number का once जो है 2 और 8 होता है, तो उसके square का once digit 4 होता है. 5 का 5 होता है और 0 का 0 होता है. उसी सिस्टम से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन फर्स्ट करना है. लिखा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. जो नंबर दिए गए हैं उसके स्क्वायर रूट्स का वंस डिजिट क्या होगा. जब किसी भी नंबर के स्क्वायर का वंस डिजिट 1 होता है, तो उस नंबर का वंस डिजिट 1 और 9 होता है. 1 एंड 9 होता है. तो जिस भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वंस डिजिट 1 होगा, उसके स्क्वायर रूट्स का वंस डिजिट होगा 1 एंड 9. उसी बेस पर ये आंसर लिखना है. तो क्वेश्चन 1, वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट 9801 9801 आर 1 आर 9. 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, क्योंकि पॉसिबल वंस डिजिट लेना हो. वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99856 आर 4 एंड 6. वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट 99,98,001 आर 1 एंड 9. ये टेबल से देख करके आंसर देना है. जो टेबल है नंबर एंड स्क्वायर नंबर का, तो स्क्वायर नंबर का यदि वंस पता है, तो उसके स्क्वायर रूट्स का वंस क्या होगा, उसी टेबल के माध्यम से आंसर दिया जाता है. वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट्स 6576666025 इज 5, क्योंकि 5 का 5 ही होता है स्क्वायर नंबर में वंस डिजिट, 0 का 0 होता है, इसलिए स्क्वायर रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वंस डिजिट 5 होगा. 5 का 0 का 0 होगा, अगर 1 होगा तो उसको स्क्वायर रूट में वंस डिजिट 1 एंड 9 होगा. यदि 4 होता है तो 2 एंड 8 होगा वंस डिजिट, यदि 6 होता है तो 4 एंड 6 होगा. उसी बेस पर यह आंसर है. इस विदाउट कैलकुलेशन इसका आंसर डायरेक्ट देना था. फिर अगला सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर
श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बिना कुछ कैलकुलेशन किए हमको यह बताना है कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर ये बताना है तो हम फिर उसी नंबर और स्क्वायर नंबर टेबल पर जाएं, बैक डे में स्टडी रीडिंग क्लास एट सेक्शन ए एंड बी एक्सरसाइज 6.1 यू रीड अ सिस्टम ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर नंबर वी नो दैट स्क्वायर नंबर नॉट एंड विथ डिजिट 2, 3, 7 and 8 एंड ऑड नंबर ऑफ 0 नहीं समाप्त होता है कोई स्क्वायर नंबर 2 पर 3 पर 7 और 8 पर या ऑड नंबर ऑफ 0 पर, यानी 1 0 या 3 0 या 5 0 पर समाप्त नहीं होगा स्क्वायर नंबर। उस नियम से, उस रूल से इन क्वेश्चन सेकंड का आंसर देना है। तो आंसर है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर लिखे हैं, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नंबर्स नॉट इन विथ डिजिट्स 2, 3, 7 and 8 गिवन नंबर एंड विथ डिजिट 3, 7 and 8 सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्वेश्चन 3 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्वेश्चन 3 है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169
by the method of subtraction. सब्ट्रैक्शन रूल से इसका स्क्वायर रूल फाइंड करना है. सब्ट्रैक्शन रूल में बताया गया कि जो दिए गए नंबर हैं उसमें से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आप सब्ट्रैक्ट करें, जितने टर्म में वो जीरो आ जाएगा उतने टर्म का वह उतना टर्म ही दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट्स होगा. सॉल्यूशन है यूजिंग सब्ट्रैक्शन रूल सिस्टम 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99. सेकंड स्टेप 99 माइनस 3 इज इक्वल टू 96. थर्ड स्टेप 96 माइनस 5 इज इक्वल टू 91. फोर्थ स्टेप 91 माइनस 7 इज इक्वल टू 84. 84 माइनस 9 इज इक्वल टू 84 माइनस 9 इज इक्वल टू 75. माइनस 11 सिक्स टर्म है. इज इक्वल टू 64. सेवन टर्म है 64 माइनस 13 इज इक्वल टू 51. एट टर्म है 51 माइनस 15 इज इक्वल टू 36. 9 टर्म है 36 माइनस 17 इज इक्वल टू 19. 10 टर्म है 19 माइनस 19 इज इक्वल टू 0. यूजिंग 10th term turns consecutive odd terms subtraction. We get number 0,
So spine roots are hundred is equal to 10. 10 term यूज किया गया subtraction system odd number consecutive, तो इसका जो root होगा वह 10 होगा. इसी तरीके से इसका जो अगला other part है 169, इसका root आप इसी तरीके से by step सबट्रैक्शन रूल अप्लाई करके ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे 169 का स्क्वायर रूट. इसी सिस्टम से ओ 13 आएगा, 13 स्टेप आप यूज करेंगे तो 0 मिलेगा, तो 13 होगा उसका. क्वेश्चन 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. Question 4, find the square roots of following numbers by prime factorization. Prime factorization method. First step, you find the prime factors of given numbers. पहले स्टेप में जो दिया गया नंबर है उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं. तो 729 दिया है, इसका प्राइम फैक्टर हमें निकालने के लिए प्राइम नंबर से, इसे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर से, और ये प्राइम नंबर से कंसेक्यूटिव नहीं, प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करते हैं. यानी प्राइम 700, we know that 729 divide yeah by 3, because sum of all digit is equal to 729 is equal to 18. 9 plus 2 plus 7 is equal to 18. 18 is divided by 3, so given number is divided by 3. 3 से डिवाइड करने पर क्या आता है, 3 टू जा 6, रिमाइंडर 1 आया, 2 टेक किया 12 हो गया, 3 4 जा, फिर 9 टेक किया 3 3 जा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ ऑल डिजिट 9 होगी, 9 3 से डिवाइड है इसलिए नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड करें कट जाएगा, 27 आ गया. अब देखें 27 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो आ जाएगा 9. एक क्रम में करेंगे, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए इधर कर रहे हैं. 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1. अब इसका प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑफ 729 is equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, ऐसा प्राइम फैक्टर हुआ. अब आप पेयर बनाएं, सेम
टू नंबर्स का पेयर, तो पेयर सेम टू नंबर्स का, थ्री थ्री का हुआ, थ्री थ्री का हुआ, थ्री थ्री जोड़ा बनाएंगे, एक ही जैसे नंबर दो नंबर हो तो उनका जोड़ा बनाते हैं। तो जब जोड़ा बनाते हैं तो इन जोड़े में से एक नंबर चूज करते हैं हर जोड़े से, और उसका प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट क्या हुआ, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी से करेंगे। तो रूट्स 29, ये 729, ये रूट्स जो है सिंबल है, स्क्वायर रूट सिंबल है यह जो लगाया गया। स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3, यहाँ रूट नहीं लगा इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा गया है, प्राइम फैक्टर 729 का, इसका रूट आ गया या स्क्वायर रूट आ गया 27। ऐसे ही मैं 400 का करता हूँ, बी पार्ट इसका 400 का प्राइम फैक्टर करता हूँ, प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करता हूँ 200 आता है, 2 से डिवाइड करता हूँ 100 आता है, 2 से डिवाइड करने पर 50, 2 से डिवाइड करने पर 25 को 5 से डिवाइड करते हैं 5 आ गया, और 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1 आ गया। प्राइम फैक्टर ऑफ, ये सभी प्राइम नंबर हैं, 2, 3 पीछे प्राइम नंबर आपको क्लास 7th में 6 में बता दिए जा चुके हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29, ये सब प्राइम नंबर्स। तो प्राइम फैक्टर ऑफ आप 400 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, देन रूट 400 इज इक्वल टू फिफ्थ टेयर बनाए, टेयर से वन नंबर्स लें, तो 2 × 2 × 5 इज इक्वल टू 20 आ गया स्क्वायर रूट्स इसका। ऐसे ही अगर क्वेश्चन है 1764, सी पार्ट है 1764, प्राइम फैक्टर करें, उसे डिवाइड हो जाएगा प्राइम नंबर, 2 8 जा 2 4 जा, 2 से डिवाइड होगा 4 4 2, उसे डिवाइड होगा 2 2 1, ये थ्री से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा 3 7 जा, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 4 जा 3 9 जा, 7 से डिवाइड होगा 49, 7 7 जा 49 होता है, 7 1 जा 7, आ गया प्राइम फैक्टर साफ। सेवन हंड्रेड सिक्सटी फोर इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, रूट 764 पेयर बनाए इज इक्वल टू 2 × 3 × 7, 2 3 जा 6 7 जा 42, आंसर आ गया 42।
टू, एक नंबर और कर देते हैं, बाकी सब अदर आप स्वयं सॉल्व करेंगे। 4096 दी है, 4096 टू से डिवाइड होगा, आएगा टू टू जा टू जीरो जा टू फोर जा टू एट जा, टू से डिवाइड होगा टू वन जा टू जीरो जा टू टू जा टू फोर जा, टू से डिवाइड होगा टू फाइव जा टू वन जा टू टू जा, टू से डिवाइड होगा 256 बनेगा, टू से डिवाइड होगा आएगा 128। अभी आगे भी डिवाइड करना है, टू हंड्रेड ट्वेंटी एट को टू से डिवाइड करें तो आएगा 64, 64 टू से डिवाइड होगा 32, टू से डिवाइड होगा 32, 16 टू से डिवाइड होगा 8, टू से डिवाइड होगा 8, 4 टू से डिवाइड होगा 4, 2 टू टू से डिवाइड होगा 1, यानी प्राइम फैक्टर ऑफ फोर जीरो नाइन सिक्स 4096 इक्वल टू 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 इंटू 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 टू आ गया, पेयर बनेगा, सिक्स पेयर बनेगा, तो रूट 4096 इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू यानी सिक्स टाइम, टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन टू जा थर्टी टू टू जा सिक्सटीन फोर, रूट हो गया 4096 का 64। अदर पार्ट इसके आप स्वयं करेंगे। द एंड एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4।